तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं और टर्नरी एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का एक ही नाम है, कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलेगा या तो टर्नरी एक्सप्रेशन बोलेगा, तो दोनों सेम चीज़ है। ओके, तो इसका मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ और इसका प्रोग्राम हम लोग एडिटर पर जाके करेंगे। ये कहाँ से आया है, इफ एल्स स्टेटमेंट से ही इसको बनाया गया है। जैसे अगर इफ एल्स स्टेटमेंट आपको जैसे पता होगा कि इफ लिखते थे हम और यहाँ पर कंडीशन लिखते थे, इफ कंडीशन, अगर एक कंडीशन ट्रू होता था तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते थे, स्टेटमेंट वन और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज किए, और अगर एक कंडीशन ये, अगर एक कंडीशन फॉल्स होता था तो जाता था एल्स पार्ट में, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट टू लिखते थे। ओके, तो ये इफ एल्स का कंडीशन था, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया कि अगर एक कंडीशन ट्रू होता था तो स्टेटमेंट वन रन होता था, और अगर एक कंडीशन फॉल्स होता था तो एल्स पार्ट वाला पार्ट रन होता था। तो कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर आपका इस इफ एल्स कंडीशन को छोटा करने के लिए ये बनाया गया है। छोटा करने के लिए मतलब वन लाइन में आप इफ एल्स कंडीशन ख़त्म कर सकते हो। जैसे इसका मैं सिंटेक्स अगर लिखूं, कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट वन कोलन स्टेटमेंट टू सेमी कोलन, अगर आप इतना पार्ट ये लिख देते हो तो ये इस प्रोग्राम के बराबर हो जाता है। जैसे कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रन होगा, जो भी आप कोलन के पहले लिखोगे। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड वाला कंडीशन डायरेक्टली रन होगा। तो आप इसके बदले ये भी लिख सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर इसी को बोलते हैं कि कंडीशन लिखने का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल दोगे तो ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये फॉल्स है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो सीधा कोलन के बाद वाला जो भी आप लिखोगे वो रन हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अभी डार्ट पैड पर और वहाँ पे देखते हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पर डार्ट पैड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का एक प्रोग्राम हम करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिख दिया है कंडीशनल ऑपरेटर का। सिंटेक्स क्या होता है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क जो भी आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है या स्टेटमेंट लिखना है वो, और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ कि चेक करने का कि नंबर ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन जीरो अगर है, नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्वेश्चन मार्क, कंडीशन लिखे आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाले, और अभी स्टेटमेंट वन लिखूंगा तो मैं स्टेटमेंट में यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव, उसके बाद आपको क्या करना है, कोलन लगाना है, तो मैं यहाँ पे कोलन लगा दिया। कोलन के बाद सेकेंड स्टेटमेंट लिखना है, देखो अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ मतलब नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब नंबर अगर लेस देन जीरो रहा तो ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो रन हो जाएगा। तो मैं लिख देता प्रिंट नंबर इज निगेटिव। तो लास्ट में अपने लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, कोलन से क्लोज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कोलन से क्लोज कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो मैंने एडजस्ट कर दिया उसको, तो सेमी कोलन से क्लोज कर दिए। अब हम नंबर में कोई वैल्यू ले, हमारा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। देखो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा, कंडीशन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, स्टेटमेंट वन लिखे यहाँ पर हमने, और यहाँ पे कोलन के बाद स्टेटमेंट टू लिखे। अब यहाँ पे हम नंबर में कोई वैल्यू ले लेते हैं। ओके, नंबर में वैल्यू लेने के लिए हमें इंट नंबर इक्वल टू, मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, 5। ओके, तो 5 क्या है, अभी नंबर में 5 आ गए। ओके, तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगा, 5 ग्रेटर देन 0 है क्या, 5 ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए कंडीशन क्या होगा, ट्रू, तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा हमारा। ओके, तो रन करके देख लेते हैं हम लोग कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें कंसोल में आया नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो नंबर इज पॉजिटिव वाला पार्ट रन हो गया। अगर मैं ये नंबर का वैल्यू यहाँ पे -10 दे देता हूँ, अगर -10 दे देता हूँ तो नंबर में कितना हो गया अभी यहाँ पे -10, तो -10 जीरो से बड़ा है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो डायरेक्टली कोलन के बाद में जो आप लिखोगे स्टेटमेंट टू वो रन हो जाएगा, नंबर इज निगेटिव। तो रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, नंबर इज निगेटिव। इस तरह से चीजें वर्क हो रही है टर्नरी ऑपरेटर की। तो ये था प्रोग्राम, नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका प्रोग्राम था। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी,
तो इसको कमेंट कर दिए। अभी एक और हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ पर हम अभी ये प्रोग्राम करेंगे लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स, मतलब दो नंबर में से कौन सा नंबर लार्ज है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं नंबर ले लेता हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नंबर ए में मैंने ले लिया 10 और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ बी में इक्वल टू 100। तो आपको पता है कि बी वाला नंबर जो 100 है वो तो ग्रेटर देन है, लेकिन ये हमें प्रिंट होकर आना चाहिए और टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा ब्रैकेट, सबसे पहला काम अपना कंडीशन, अगर ए ग्रेटर देन बी है क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है आपको यहाँ पर ए को प्रिंट कर देना है। ओके, प्रिंट, आपको ए को प्रिंट कर देना है, प्रिंट ए, फिर उसके बाद हमें कोलन लिखना पड़ता है, कोलन प्रिंट बी। तो यहाँ पर अभी क्या किया आपने, ए ग्रेटर देन अगर बड़ा है बी से, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और फर्स्ट वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, अगर फॉल्स हो गए तो प्रिंट बी हो जाएगा। ओके, तो रन करके देखते हैं हम, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर आया 100। ओके, तो 100 आ गया, तो 100 मेरा नंबर ग्रेटर है। तो अभी इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इसी लाइन को मैं अगर ये लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ, तो अभी इसको दूसरे तरीके से आपको लिखने को बताता हूँ ये लाइन को मैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखता हूँ, प्रिंट नहीं लिखा मैंने, और यहाँ का भी प्रिंट मैं अगर हटा देता हूँ, प्रिंट हटा दिया, और ये पूरे कंडीशन को, मतलब पूरा कंडीशन जो है, तो मैंने क्या किया, पूरे कंडीशन को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, बाहर ब्रैकेट डाल दिया, ओपन किया, क्लोज किया, और उसके बाहर मैं लिख दूंगा प्रिंट। तो प्रिंट लिखा, तो अभी क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन चेक होगा, अगर ए बड़ा होगा, यहाँ से ए बड़ा है बी से, तो ए वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे कंडीशन को मैंने प्रिंट में रख दिया है मैंने। अगर ये फॉल्स होगा तो बी वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, तो देखते रन करके, तो 100 आया। ओके, तो अभी मैं साइन भी चेंज करके देख लेता हूँ, जैसे अगर -100 लिख देता है इसको मैं, तो दोनों में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। ओके, तो आंसर आना चाहिए 10, तो आंसर आया 10। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो सारी चीजों को। और भी एक तरीका बता देता इसमें मैं, कि इस ये पूरे कंडीशन को आप कोई वेरिएबल में भी रख सकते हो, जैसे लाइक इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये पूरे कंडीशन को मैंने एक वेरिएबल में रख देता हूँ, इंट लार्ज लार्ज। तो क्या किया मैंने, पूरे कंडीशन को उठा के मैंने ये जो पूरा कंडीशन था इसको लार्ज में रख दिया, और यहाँ पर मैं लार्ज को प्रिंट कर देता हूँ। तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई वेरिएबल में रख के भी प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने क्या किया, पूरे कंडीशन को लार्ज के अंदर डाल दिया और लार्ज को मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, तो इसमें से जो भी बड़ा होगा वो लार्ज में चला जाएगा, जैसे अगर ए बड़ा है बी से, अगर यहाँ पे आ जाते ए अगर बड़ा है बी से, तो ए का वैल्यू लार्ज में चला जाएगा, अगर ए छोटा है बी से, मतलब फॉल्स हो गया कंडीशन, तो बी वाला जो रहेगा वो लार्ज में चला जाएगा, और आपने लार्ज को प्रिंट कर दिया, तो आंसर इसमें भी अभी सेम ही आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका बहुत यूज होने वाला है आगे एप्लीकेशन में सारी जगहों पर, तो वहां पर आपको और क्लियर होते जाएगा जितना भी चीज है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम करेंगे स्विच केस और उसका एग्जांपल भी करेंगे।